अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद वकास आपकी खिदमत में हाजिर प्रॉपर्टी नामक के प्लेटफॉर्म से 2 लाख सब्सक्राइबर्स मुकम्मल होने पे तमाम उन लोगों को शुक्रिया जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। मजीद आपके सपोर्ट होता उनके हम मोहताज हैं और मोहताज रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज एक नए सोसाइटी में मौजूद हूँ जिसका तो आपने नाम सुना होगा लेकिन लोकेशन नहीं सुनी देखी होगी, ना लोकेशन का पता होगा, लोकेशन के बारे में कुछ सुना नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी नामा की जानब से आपको पहली बार इस चीज़ की मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि न्यू पैराडाइज सिटी एक नई सोसाइटी जो आई है जिसका नाम आपने सुना होगा। लेकिन इसके बारे में आपको बताऊं कि लोकेशन क्या है, एलओसी के क्या स्टेटस है, यह कहां पर तायुन करता है और कहां पर इसकी मेन पिन पॉइंट लोकेशन है। जैसे ही M2 मोटरवे पे आप चढ़ते हैं इस्लामाबाद से और टूवर्ड्स पेशावर आप आते हैं तो बुरहान इंटरचेंज जो है उस पर आप उतर के, यानी बुरहान इंटरचेंज से उतर के GT रोड पर चढ़ के आप कामरा की तरफ जब जाते हैं ना, अटक की तरफ यानी, तो सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर फासला है। तो पहले जो 1.5 किलोमीटर के बाद जो पहला यू टर्न आएगा उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर यह है न्यू पैराडाइज सिटी। ठीक है जी, इसकी डेवलपमेंट की अगर बात करूं 60 दिनों की यानी 2 महीनों की डेवलपमेंट की इंशाल्लाह हम जायजा लेते हैं। गेट के जो अल्फाट है वो तैयार है, जो तमाम इसके लेआउट है वो रेडी है। अच्छा, इस तरफ अगर हम देखें तो सिविल का काम हो चुका है, हैवी मशीनरी इस वक्त काम करी है और ये तमाम लोग आए हुए साइट विजिट पे, ये देखें जरा ये रियल्टर्स आए हुए साइट विजिट पे और एक आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट इनके इस वक्त शुरू है। ये गेट नंबर 1 है। गेट नंबर 2 हजारों को जाकर टच कर हजारों मोटरवे को, गेट नंबर 3 जाके बुरहान इंटरचेंज के उस तरफ जाके टच कर रहा है। ठीक है, ये सोसाइटी NOC अप्रूव्ड है, अटक की तरफ से, फाटा की तरफ से अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है। इस खत्ते का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, सबसे पाकिस्तान का सबसे बिगेस्ट जो टाउन प्लानर है वो इसको डिजाइन कर रहे हैं और उसको लेके चल रहे हैं। तो हमें इस चीज़ पे भी शक नहीं होना चाहिए कि भाई ये डेवलपर भाग तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो काम हो रहा है डेवलपमेंट का, ये आप खुद देखें कि सीवरेज का काम हो चुका है, सब कुछ एक इंतहाई मुनासिब कीमत में इसमें प्लॉट मिल रहे हैं। पेमेंट प्लान आपके साथ शेयर है स्क्रीन पे, ये आप खुद देखें, मुलाइजा फरमाएं, 10 मरला 5 मरला 1 एकड़ प्लॉट्स में मौजूद है। NOC अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है, बार बार ये बता रहा हूँ कि कोई टेंशन नहीं है। अटक, नौशेरा, मर्दान, पिशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, टक्सला, वाकेंड और ये हजारा वाले, बुरहान वाले, ये तमाम संगजानी वाले तमाम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें। आपके पास पहला आखिरी मौका है, NOC अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस्लामाबाद और लाहौर और पेशावर और कराची में जो सोसाइटीज़ की एक ख़त्मी शक्ल दी जा रही है यानी मुकम्मल हो चुकी सोसाइटीज़, तो जाहिर सी बात है जो आउट डिस्ट्रिक्ट सोसाइटीज़ है उसमें जाके इन्वेस्टमेंट करें, NOC अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करें। उस तरफ डेवलपमेंट देखें जरा, आउटस्टैंडिंग डेवलपमेंट हो रही है माशाल्लाह। तो मैं इनके मैनेजमेंट को खराज तहसीन पेश करूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट करने पर आप तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि सिर्फ और सिर्फ आपने 60 दिनों के अंदर डेवलपमेंट दिखाई और ये जो डेवलपमेंट आगे हो रही है 3.5 करोड़ रुपए इनका सिर्फ डीजल का खर्चा है महाना और 400 से 500+ हैवी मशीन आगे काम करी है, वो आपको लेके दिखाएंगे। ये जो डेवलपमेंट हो रही है वो मेन GT रोड है, जरा GT रोड को जूम करें, ये GT रोड है। अच्छा, ये जो डेवलपमेंट हो रही है, ये जो डेवलपमेंट हो रही है भाई, ये सिर्फ 60 दिनों की है और ये जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं ये 1% है टोटल डेवलपमेंट की। आगे हम जाके दिखाएंगे आपको, तो आगे जो डेवलपमेंट हो रही है उस पर हम बड़ी गाड़ी में जाएंगे ताकि हम इजीली इसको कवर कर सकें। डेवलपमेंट आगे आपको दिखाएंगे लेकिन ये मेन एंट्रेंस में आपको दिखा रहा हूँ कि इसकी मेन एंट्रेंस जरा एक नज़र आप देखें कि जिस तरीके से लेवल लैंड है और प्लस पॉइंट इसका ये है कि ये लैंड जो है वो लेवल है, कोई पहाड़ियाँ शाड़ियाँ नहीं है, बिल्कुल सीधा लेवल लैंड है। और ये 150 फुट की मेन बुलेवार्ड, ये ग्रीन बेल्ट, उस तरफ सर्विस रोड और साथ ही मेन बुलेवार्ड के साथ सर्विस रोड, ये आप देख रहे हैं ग्रीनरी एरिया है, यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, कोई पाइलिंग का इशू नहीं है। तो खूबसूरत हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रॉपर्टी नामा के इंतखाब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको सर्विस देंगे। अब तो ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।